हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज बज रहा है रात के 9 बजे। मेरा वीडियो बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मेरा आप सिस्टम देख रहे हैं और सिस्टम को लेके मैं बहुत दिनों से परेशान था। कुछ मेरी चीज़ें इसमें चल नहीं रही थी तो उसको मैं इसे अपग्रेड करना चाह रहा था। तो अचानक ही मुझे ऐसा ऑफ़र मिला जो सिस्टम को अपग्रेड करने पे मजबूर किया, और वो ऑफ़र को मैंने कैच किया। वो ऑफ़र क्या था और क्या मैंने इसके लिए परचेज़ किया है वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपके लिए कि मैंने इसके लिए क्या ख़रीदा है इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने मंगाया है RTS का 2060। तो मुझे बेस्ट ऑफ़र में मिल गया तो फटाक से मैंने इसे कैच करा। ये देखिए, ये है इसका अंदरूनी ग्राफिक्स कार्ड जो मैंने इसे खोल के बाहर रख लिया है। और मेरा जो PC था वो 8 कोर का था, नहीं सॉरी 4 कोर का था, जो जिसमें जो बैच परफॉर्मेंस के लिए था सपोर्टेड जो 2060 था। इसके साथ मेरे पास 8 कोर 8 GB रैम जो है पहले से इसके अंदर लगी हुई थी, लेकिन 8 GB रैम मैंने और मंगा ली जो इसकी जो स्पीड और बढ़िया रन करेगी। क्योंकि मेरा जो काम है वो वीडियो एडिटिंग का काम है, जिसमें मेरा एडिटिंग जो रनिंग जो स्पीड थी वो कम मिलती थी और इसे डालने से मेरी स्पीड जो है बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए जो इससे सपोर्टेड रहेगा तो वो 2060 ही इसलिए मंगाने को तो मैं आगे भी मंगा सकता था, लेकिन कुछ शायद उसमें ऑफर भी नहीं था और शायद सपोर्ट भी नहीं मिलता अगर मैं मंगा लेता तो। इसलिए ऑफर भी सपोर्टेड मिला और 2060 भी जिस कंप्यूटर जो बना हुआ है उसमें सपोर्ट रहेगा, इसलिए मंगाया। अब हम इसे लगाते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद फिर आपको देखें इसे क्या प्रोसेस है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और शाम को हम लोग इसके जो ग्राफिक्स इसमें डाल रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था तो रात में हम इसे शूट नहीं कर पाए। अब हम सुबह आपको शूट करके दिखाते हैं कैसे क्या परफॉर्मेंस हो रही है। अब हम इसे दोबारा इसे ऑन कर रहे हैं। ये देखिए, दोबारा एक खुल चुका है और काफ़ी बार हमने इस पर अपने सब कुछ चला के देख लिया है, क्या क्या हमारा वर्किंग जिस पर हमें करना है सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है। रफ चेक ग्राफिक्स तो एकदम रफिक चेक हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी PC पे जो मैं एडिटिंग का काम करता हूँ, तो ये मेरा एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब आप इसमें स्पीड देखिए कितनी झकास चल रही है। देखिए स्पीड आती है 37%, 38%, 40%। ये स्पीड जो है बहुत बढ़िया हो चुकी है। पहले मुझे जो है इस वीडियो को बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाता था, आज की डेट में ये देखिए मुझे अभी मैंने चलाया है 1 मिनट नहीं हुआ है और ये मैं लमसम 2 मिनट में ये पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो स्पीड में और ग्राफिक्स, सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स में मेरा इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और उसी के मतलब के लिए मैंने लिया था जो मेरी वीडियो इसमें शूट होती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, अपना जो PC आप तैयार करें तो अपने PC के अकॉर्डिंग ही, मतलब जिस तरीके का आपका प्रोसेसर है उसी के कंफर्टेबल आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। अगर जैसे सपोज मान लीजिए, अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड 3060 या उससे ऊपर का मैं ले लेता तो मेरा प्रोसेसर जो है सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं उसे लगाता तो प्रोसेसर मेरा 100% ख़राब हो जाता। तो उसके हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। चाहे अगर आपका प्रोसेसर 8 कोर का है तो आप उसमें 3060 और उससे अब आप चला सकते हैं। तो मैं अपने PC में ये 2060 से अब नहीं चला सकता, लेकिन हाँ अगर आप उसके अकॉर्डिंग मैचिंग का लगाएंगे तो आपका PC बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और अब बात करते हैं इसका प्राइस का। जेब मुझे बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस में मिल गया। जो आज की डेट में 2060 का जो रेट चल रहा है, करंटी रेट बता रहा हूँ, 2060 का करंट रेट चल रहा है 42,000 का चल रहा है। करंट रेट 42,000 का चल रहा है, जो मुझे ऑफर में 26,000 का मुझे ये मिल गया। इतना बढ़िया प्राइस में मिला, मैंने तुरंत इसे परचेज करा और अपने PC को अपग्रेड कर लिया। इसके साथ ही साथ मैंने रैम ली, रैम भी अच्छे में मिल गई मुझे, 2500
के आसपास मुझे रैम मिल गई, तो फटाक से मैंने इसे बुक करा और ये मेरे पास 2 दिन में मेरे पास रिसीव हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा पीसी अपग्रेड का वीडियो। तो इसमें विशेष ध्यान का बस यही आपको ध्यान रखना है, अपने पीसी जो आपने प्रोसेसर पढ़ा है उसी के मैचिंग का ही आप ग्राफिक्स कार्ड लगाएं तो यही बेहतर है, अन्यथा कोई ना कोई आपका नुकसान हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा।